Hello, good morning, India. Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को. और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. वेलकम टू वाईफाई चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. सो कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी लोग 111. तो आज आपका टॉपिक आपको पता ही, जैसे कि क्या पढ़ना पड़ेगा आपको आज? आज आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और रेडियो टीवी. तो कुछ बातें हो जाती हैं. होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को बहुत ही बेकार मान लिया गया है. आपके RRB JEE में इतनी सारी पोस्ट आई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की सेपरेट से, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं करता है. सब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की ही बात करते हैं. ठीक है, तो हम सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितने हैं? ज़बरदस्त है ना जी. आज बच्चे बहुत कम है. सब निकल गए क्या आज पेपर के लिए? हाँ, 142. क्या इलेक्ट्रॉनिक बच्चे कम है क्या? इलेक्ट्रॉनिक बच्चे है ही नहीं. ये तो बेइज्जती हो गई यार हमारी कि बच्चे नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के. हाँ, शेयर कर दो यार, कम से कम लाइक कर दो, बच्चे और आ जाए जैसे. क्योंकि आज की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के टॉपिक में आपको जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं आने वाले, वो आपको बताऊंगा मैं. इलेक्ट्रीशियन की क्लास नहीं, ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स है. प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स, नो इलेक्ट्रिकल. गुड आफ्टरनून जी. बिल्कुल, थैंक यू अनूप कुमार जी. तो स्टार्ट करें कि अभी थोड़ा वेट करें जी? बताइए, आप लोग स्टार्ट किया जाए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बच्चे अभी आया नहीं. बच्चे क्या हुआ? आज पूरा पूरा आपका प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा. आज पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का गेम रहेगा. स्टार्ट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. बच्चे जिनको आना होगा आएंगे, नहीं तो फिर बाद में ये वीडियो देख लेंगे. ठीक है. होता क्या है कि आपके कम्युनिकेशन में आप पढ़ते हो मॉड्यूलेशन. ठीक है, जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर कर दो आप, ताकि वो एक्चुअली आपका टाइमिंग चेंज हो गया ना. आज रात को होता है तो वो मॉर्निंग में दोपहर में हो गया, हो सकता है उस वजह से वो करें जी. तो मॉड्यूलेशन आपको पता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है आपका? अगर किसी फ्रिक्वेंसी को, लो फ्रिक्वेंसी को बहुत दूर तक भेजना है तो उसको आपको मॉड्यूलेट करना पड़ता है. उसका कारण क्या होता है? सपोज आपके पास एक फ्रिक्वेंसी हो, एंटीना हाइट मेन मुद्दा होता है. एंटीना की हाइट का, एंटीना हाइट जो आपका होता है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए आप मॉड्यूलेशन करते हो. मल्टीप्लेक्सिंग के लिए भी करते हैं आप मॉड्यूलेशन को. तो देख लेते हैं कैसे करते हो आप. ठीक है, तो मान लीजिए आपका सी इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू लैम्डा होता है. होता है ना एफ इंटू लैम्डा. अब आपको ये पता है कि एंटीना की जो साइज होती है वो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आपका? एच इक्वल टू हाइट क्या होती है आपकी? एच इक्वल टू होता है लैम्डा बाई 4 होता है. अगर आप ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा यहां से आपको? C इक्वल टू एफ इंटू 4 एच होगा. तो H इक्वल टू क्या आएगा आपका? C अपॉन में 4 F हो जाएगा. ये आपकी आ गई एंटीना की हाइट. ठीक है, एंटीना की हाइट आपकी आ गई. अब अगर आप यहां पे वैल्यू पुट करते हो, मान लीजिए आपको F इक्वल टू 300 हर्ट्ज रखना है. F इक्वल टू 300 हर्ट्ज आपको ट्रांसमिट करना है, तो आपके एच की हाइट क्या होगी?
एच इक्वल टू जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में 4 इंटू 3 समथिंग, इतना कितना हो गया यहां से आपका 10 की पावर 8 बाई 4 12 आ जाएगा ना, तो नियर अबाउट आपका क्या होगा 10 की पावर 7, नियर अबाउट 10 की पावर 7 समझ रहे हैं आप, एक मेगा ओम तक, एक सॉरी एक मेगा बोल रहा हूं मैं, आपको क्या जाएगा ये 10 की पावर 7 इतनी हाइट आपको चाहिए होगी सिर्फ 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए। बताइए कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका, 300 मतलब क्या हुआ आपका बहुत ही बेसिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जनरली लाइफ में जो भी हम भगवान ने आपके सिग्नल जो बनाए हैं सभी एनालॉग ही हैं, डिजिटल आप क्या करते हो डिजिटल मैन मेड है, जो आपका सिग्नल जितने भी होते हैं वो सभी एनालॉग होते हैं, डिजिटल आपने खुद बनाया है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, अब इसको आप मॉड्यूलेट कर दोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी 300 से बढ़कर 3 किलो हर्ट्ज 3 मेगा हर्ट्ज समथिंग और कुछ हो जाएगी, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 मेगा हर्ट्ज अगर आप पुट करोगे यहाँ पे तो आपका जो हाइट एंटीना का वो रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए आप मॉड्यूलेशन करते हो, ठीक है। मॉड्यूलेशन का मेन पर्पज है एंटीना की हाइट को रिड्यूस करना और उसके बाद आपका जो मल्टीप्लेक्सिंग होता है उसको रिड्यूस करना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्वेश्चंस के साथ जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे मैं आपको समझाता हुआ जाऊँगा। ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है तो बच्चे काफ़ी कम रहे आज, क्योंकि शायद हो सकता है टाइमिंग आपकी चेंज हो गई इसलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जी क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले नहीं, ये इलेक्ट्रीशियन क्लास नहीं है, इलेक्ट्रीशियन की क्लास नहीं है ये। जो बच्चे ऑनलाइन हैं कृपया वो बता दे बच्चों को जो पूछ रहे हैं बार बार, उनको बोल दीजिए कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है इलेक्ट्रीशियन की नहीं है, नहीं तो हमारा टाइम डिस्टर्ब होता है। ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है जी, आपका पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा मॉड्यूलेशन टीवी प्रसारण में वीडियो संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन टीवी सिस्टम, तो बताइए क्या होगा आपका, क्या होगा आंसर आपका। आंसर बताइए जी, इसमें आंसर क्या होगा आपका एएम, वेरी गुड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आपके तीन टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं एनालॉग में, दो टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग में आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। नाम से लग रहा है कि आप कोई अगर सिग्नल है तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं, अगर आपका एनालॉग सिग्नल है तो तीन चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज होता है। अगर आपने एम्पलीट्यूड को वेरी किया, फ्रीक्वेंसी और फेज कॉन्स्टेंट रहा तो आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर आपका फ्रीक्वेंसी वेरी किया तो आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अगर आप फेज को करते हो तो बोलते हो फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि एम्पलीट्यूड में कौन सी चीज़ें परिवर्तित होती हैं कौन सी नहीं होती हैं, तो आपका एम्पलीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, एक होता है कैरियर सिग्नल एक होता है मैसेज सिग्नल। कैरियर सिग्नल मतलब क्या होता है, ले जाने वाला जो ले जा सके उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैसेज सिग्नल से, हाई होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल से कैसी होती है, तो बहुत ज़्यादा होती है। तो कैरियर सिग्नल की जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैसेज अकॉर्डिंग चलता है आपका, ठीक है। समझ में आया तो क्या होगा आपका एएम होगा जी, तो क्या होगा आपका एएम हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही आपका है, बी ऑप्शन सही है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का अवयव नहीं है, बताइए क्या होगा। जी बिल्कुल सही, डायोड। जी बिल्कुल सही, डायोड आपका एकदम सही आंसर है। आप जानते हो जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है क्या होता है आपका, स्टार्टिंग में होता है यहाँ पे आप ट्रांसड्यूसर लगाते हो ना, जैसे कि पहले होता है आपका ट्रांसमीटर, ये आपका ट्रांसमीटर हो गया, फिर आपका होता है चैनल, ये आपका चैनल हो गया, फिर आपका क्या होता है रिसीवर होता है, यहाँ पे आपका आरएस होता है, बीच में कई सारी चीजें होती हैं, आपका ट्रांसड्यूसर होता है,
कई सारी चीजें होती है, लेकिन मेन जो होता है क्या होता है आपका, यही होता है ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। आप डायोड यूज करते नहीं हो, क्या आपका आंसर डायोड, सही आंसर आपका है डायोड, ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरे के आंसर क्या है आपका, बी है, ठीक है, दूसरे का बी आंसर करेक्ट है। जी हाँ, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, वेरी गुड, काफी कुछ पता है आप लोग को। लेकिन यार आज कम्युनिकेशन वालों बच्चे है ही नहीं क्या, 273 इतना कम, और आप बोलते रहते सर कि क्लास नहीं लग रही है कम्युनिकेशन की, क्लास नहीं लग रही कम्युनिकेशन की, क्लास लग गई तब ये हाल है। चलिए कोई नहीं, बच्चे टेंशन में होंगे, उनका एग्जाम है पास में, कोई जरूरत नहीं है, जितने लोग हैं उन लोग ही पढ़ते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका एएम जो होता है वो कितने टाइप का होता है, कई टाइप का होता है ना, एएम आपका होता है एसएसबी, डीएसबी, डीएसबीएससी, एसएसबीएससी, वीएसबी, जिसको आप बोलते हो वेस्टिसिजियल साइड बैंड। तो आपके होते हैं ना, आपका डीएसबी होता है, डीएसबी सी होता है, फिर आपका होता है डीएसबी एससी होता है, फिर क्या होता है आपका एसएसबी होता है, फिर आपका क्या होता है एसएसबी एससी होता है, फिर आपका क्या होता है वीएसबी होता है। ये आपके कई टाइप के एम्पलीट्यूड में ये होते हैं, ठीक है। तो आपका ये बोलता है डबल साइड बैंड विद कैरियर, ये होता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, फिर होता है सिंगल साइड बैंड, फिर होता है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, और आपका वीएसबी वेस्टिसिजियल साइड बैंड। ये सभी आपके क्या होते हैं, एएम के मॉड्यूलेशन के प्रकार हैं। अब होता क्या है कि इसमें पूछता है बैंडविड्थ किसकी ज्यादा होगी, तो बैंडविड्थ किसकी होगी आपकी, डीएसबी की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आपकी एसएसबी वीएसबी की क्या होती है बराबर होती है, वीएसबी और एसएसबी की आप लमसम बराबर समझते हो, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहां पे, तो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आ रहा है इसी बेस पे आपका क्वेश्चन है, ये बात समझ में आई, रिपीट चाहिए, अच्छा फिर से कर देते हैं। एएम जो आपका होता है वो डीएसबी सी डबल साइड बैंड विद कैरियर, फिर आपका होता है डीएसबी मतलब एससी यानी डबल साइड बैंड विद सप्रेस्ड कैरियर, यानी यहां पे आपने कैरियर को कट कर दिया है। क्वेश्चन लगा नेक्स्ट का, सप्रेस्ड कैरियर आपका है जी, सप्रेस्ड कैरियर आपका है यानी कि आपने कैरियर को सप्रेस कर दिया। एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि मान लो दो घर हैं, आप एक गली में हो, दो घर हैं, ठीक है। अब आपका फ्रेंड, आपके फ्रेंड और आप आमने सामने रहते हो, दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है, तो क्या करते हो आप, अपना मैसेज भेजने के लिए फोन आप यूज करते हो, आप बोलो सर फोन कर लेंगे, फोन मान लो स्विच ऑफ है, कुछ भी रहा, इमरजेंसी कॉल आ गई, तो क्या करेंगे आप एक कागज में जो भी मैसेज आप वो लिख के पत्थर में उसको लपेट के आप उसको फेंकेंगे। अगर आपने कागज को सीधे फेंक दिया तो कागज आपका शायद पहुंचे या ना पहुंचे गारंटी है क्या, कोई गारंटी नहीं कि पहुंचेगा, लेकिन अगर आपने पत्थर उसके साथ लग दिया तो क्या होगा आपका, वो कागज वहां तक पहुंच जाएगा। तो जो पत्थर है आपका वो कैरियर है ना, लेकिन वो पत्थर आपके काम का है क्या, बिल्कुल नहीं, वो कागज आपके काम का है ना, जो कागज है उसमें जो मैसेज लिखा हुआ है वो आपके काम का है, वो पत्थर आपके काम का नहीं है। अब कुछ पागल होते हैं पत्थर भी रख लेते हैं साथ में, ठीक है, लेकिन कागज ही आपके काम का है, तो आप पत्थर को हटा देते हो और कागज आप रख लेते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका सप्रेस्ड कैरियर यानी कि आपने कैरियर को यानी जो पत्थर है उसको आपने हटा दिया, क्योंकि मैसेज आप राम बोल रहे हो, राम आपने बोला, अगले को राम सुनना चाहिए, ये थोड़ी कि वो कुछ और सुने, तो मेन मुद्दा क्या है आपका, राम ही होना चाहिए ना। क्या होगा क्वेश्चन आपका इसमें, हाफ होगा जी, बिल्कुल सही है आंसर, क्या होगा आपका, ए होगा, एकदम राइट आंसर है, एकदम परफेक्ट सही है, ठीक है। चलिए समझ में आया मॉड्यूलेशन क्या होता है, चलिए क्लास होगी जाओगी तो और मजे से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, अभी टाइम कम है तो क्वेश्चन पे चलते ज्यादा बेटर रहेगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है द चैनल बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का चैनल बैंडविड्थ क्या होता है। जी हाफ होता है, एसएसबी वाले में हाफ होगा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए क्या होगा, हाँ पेपर देने गए, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं जान रहा था कि क्लास आपकी शायद ये मुझे एक दिन पहले करनी चाहिए थी, गलती कर दी मैंने। चलिए कोई नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। लेस होगा, कौन बोला लेस होगा भाई, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दो टाइप का होता है ना, एक होता है नैरो बैंड, एक होता है वाइड बैंड। नैरो बैंड जो आपका होता है वो किसके लिए, नैरो बैंड को ही आप बोल देते हो एम्पलीट्यूड के बराबर, कि आपका जो एएम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वो नैरो बैंड की तरह ही
वर्क करता है। फिर होता है वाइड बैंड, वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है ना, जिसमें आप पढ़ते हो कार्सन रूल, बैंडविड्थ के लिए फॉर्मूला होता है ना आपका जी, मोर होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मोर होगा आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या होगा आपका, मोर होगा, टू टाइम्स ऑफ एएम नहीं बोलेंगे आप, टू टाइम्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, एक्चुअली वो उसमें फॉर्मूला होता है आपका एफएम प्लस एफ, सॉरी गलती मैंने कर दी, क्या होगा आपका एफएम, कार्सन रूल क्या होता है, कार्सन रूल आपने पढ़ा होगा, कार्सन रूल आपके आईटीआई में कार्सन रूल है नहीं एक्चुअली, ठीक है, आपका एफएम आपके उसमें कार्सन रूल नहीं है, एफसी प्लस एफएम इनटू 2 होता है आपका कार्सन रूल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो समझ में आया आपको एएम एफएम पीएम, तो एफएम पीएम को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, ठीक है, एएम एफएम पीएम, एफएम पीएम इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, और एएम का जो मॉड्यूलेशन होता है वो एफएम के जी, चलिए आगे चलते हैं, डिप्लोमा में है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, सर समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बताइए, सैलजा सिंह जी क्या नहीं समझ आया, क्या दिक्कत आ गई, फिगर मतलब मीन्स व्हाट, जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका है एफएम मॉड्यूलेशन में माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को बदला जाता है, हाँ नेक्स्ट करते हैं सर, विक्की सर चलिए धीरे धीरे लड़के पहुंच रहे हैं, क्वेश्चन आपका है कि एफएम मॉड्यूलेशन में माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को बदला जाता है, क्वेश्चन आपका है कि जी चलिए, हाँ एफएम मॉड्यूलेशन माइक्रोफोन साउंड वेव कन्वर्ट इनटू जी, बताइए किसमें करता है, एक्चुअली ये एफएम नहीं आपका ट्रांसड्यूसर होना चाहिए, एफएम पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है आपका पूरा सिस्टम हो गया है जी, क्या हो सकता है आपका ए इलेक्ट्रिकल, एफएम एक्चुअली ट्रांसड्यूसर जो होता है आपका वो साउंड टू इलेक्ट्रिकल करता है, लेकिन अब इसमें क्या है कि आपको एफएम दे दिया है, तो एफएम पूरा सिस्टम हो गया है उसमें, वो बाय डिफॉल्ट आपका ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है प्लस माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन करता क्या है, माइक्रोफोन आप यूज करते हो ना किसमें, आपका स्पीकर होता है माइक्रोफोन होता है, स्पीकर क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल को बदलता है साउंड में, और ये करेगा साउंड को इलेक्ट्रिकल में, ए ऑप्शन एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर इज कॉल्ड, आपका क्वेश्चन है कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में जो फ्रीक्वेंसी आपकी प्रयोग होती है वो क्या कहलाती है, जी भाई क्या कहलाएगी आपकी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, आपने सुना होगा ना इमेज फ्रीक्वेंसी, आपका इंटरमीडिएट भी होता है उसमें, देखिए आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है, एक्चुअली क्वेश्चन का कहने मतलब ये है कि वो किससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि तो आपका इमेज फ्रीक्वेंसी होगा ना इसमें डी, आपका डी ऑप्शन होगा डी, आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन आपका डी क्या होगा, इमेज फ्रीक्वेंसी होगा आपका इसमें आंसर, ठीक है इमेज फ्रीक्वेंसी, याद रखिए जब भी हेट्रोडाइन से क्वेश्चन आता है हमेशा वो इमेज फ्रीक्वेंसी की ही बात करता है, आईटीआई लेवल में शायद ही पूछे,
पूछेगा भी नहीं, अगर पूछ लिया तो आपसे इमेज फ्रिक्वेंसी के बारे में पूछेगा। तो इमेज फ्रिक्वेंसी कितनी होती है आपकी, 455 किलोहर्ट्ज होती है ना। इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी आपका देखिए रिसीवर है तो आईएफ होगा, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी तो होगा ही होगा, प्लस लोकल ऑसिलेटर होता है तो वो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर से कंपेयर करता है। देखिए होता क्या है आपका, ये होता है आईएफ, ठीक है, ये आपका होता है लोकल ऑसिलेटर और ये होता है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब ये आईएफ जो होता है इन दोनों में कंपेयर करता है फिर आपको आउटपुट देता है, तो ये होता है आपका इमेज फ्रिक्वेंसी, आईएफ इमेज फ्रिक्वेंसी, तो वो इमेज फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं नहीं इतना हार्ड नहीं आएगा, परेशान मत हो, ये सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर नहीं आएगा। एक्चुअली उन्होंने आईटीआई वाले में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, सब कुछ टॉपिक जो आपके होते हैं ना बीटेक लेवल के डिप्लोमा वाले सब कुछ उन्होंने दे रखा है, लेकिन बहुत बेसिक बेसिक, यानी कि अंदर नहीं जाएगा वो, बस आपसे ऊपर ऊपर पूछेगा। मैं लास्ट में इस लेक्चर को कंक्लूड कर दूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आप करते रहिए, लास्ट में आपको मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अरे ये तो मैंने बता दिया आपको आंसर था जिसके पहले ही, 455 किलोवाट्स है। चलिए सबने सही आंसर दे दिया है। हेटरोडाइन है ना आपका नाम से, वो नाम क्यों है उसका कारण है, ये कई सारी फ्रिक्वेंसीज को हेट्रो मतलब क्या होता है फ्रिक्वेंसीज अलग अलग आपकी हैं उनको ये मिक्स करता है, मिक्सर टाइप में होता है, ठीक है जी। तो कितना होगा 455 किलोहर्ट्ज, तो आपका सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर क्या होता है आपका जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, द मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड मॉडिफाइंग इट बाय यूजिंग द स्टेप साइज कंट्रोल सर्किट टू रिमूव क्वांटाइजेशन एरर इन डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये कह रहे हैं कि डेल्टा मॉड्यूलेशन में जो एरर आपकी होती हैं कौन कौन सी एरर होती हैं, स्लोप ओवरलोड होता है और कौन सा होता है आपका अडेप्टिव होता है, सॉरी अडेप्टिव नहीं सॉरी मैंने गलती कर दी है, स्लोप ओवरलोड होता है और ग्रेनुलर नॉइस होता है, ठीक है। दो दो नॉइस होते हैं ना आपके डेल्टा मॉड्यूलेशन में, तो वो कैसे आप दूर करते हो, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन की मदद से, ठीक है। कैसे मदद करते हैं आप, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन की वजह से। आपका आंसर क्या होगा, बी एकदम सही जवाब। जी अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन एकदम सही जवाब बी आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अडेप्टिव से करते हैं भैया, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। देखिए एडीएम होता है डीएम होता है, ये सभी एक बिट पर कार्य करते हैं, ठीक है। डेल्टा मॉड्यूलेशन करा गया तो ये एक बिट पे ही कार्य करेगा। पीसीएम आपका होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ बिट जितनी होंगी उसके उतने लेवल्स होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द टाइम स्लॉट फॉर डिफरेंट यूजर इज कॉल्ड, यानी कि ये बोल रहे हैं कि विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए टाइम स्लॉट को विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है जी। बताइए क्या होगा आपका, क्या कहलाएगा आपका, एफडीएम होगा कि टीडीएम होगा, टाइम डिवीजन। ये टाइम स्लॉट टाइम को कट कर रहा है भाई, टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम क्या करेगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो आपका जाएगा टीडीएम। बिल्कुल सही आपका एकदम सही जवाब है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फुल फॉर्म ऑफ राडार, राडार का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। नहीं नहीं आ जाइए तुम्हें, फुल फॉर्म ऑफ राडार, राडार फुल फॉर्म क्या होता है आपका, अतुल शर्मा, चलिए नाम ले लेते हैं आज अतुल शर्मा जी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, वेरी गुड एकदम सही जवाब, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो राडार से क्वेश्चन आपको पूछेगा तो फुल फॉर्म ही पूछेगा, आप बहुत डीप डीप में नहीं पूछेगा, परेशान ना हो, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका बहुत आसान सब्जेक्ट नहीं है, बहुत टफेस्ट माना जाता है ये, इवन बीटेक वाले भी इसको एक बार थोड़ा कतराते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका बहुत बेसिक पूछेगा आपसे, तो क्या होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रांसमीटर की अंतिम स्टेज पर पावर एम्पलीफायर कौन सा ऑपरेट करता है,
इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं है मेरे भैया, कितनी बार बताऊं। आप लोग पूरा देखते नहीं क्या वीडियोस में, प्लेलिस्ट में जाके आपको ऊपर लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड रेडियो टीवी लिखा रहता है, उसको आप चेक कर लिया करो ना, ठीक है। यही दिक्कत होती है वर्चुअल क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। एम्पलीफायर यूज इन लास्ट स्टेज ऑफ ट्रांसमीटर, बताइए क्या होगा आपका आंसर। क्या होगा आपका इसमें, कौन सा यूज होगा? हलवा है, चलिए ठीक है। आंसर बताइए। हाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लास है भाई, इलेक्ट्रॉनिक क्लास है ये, ठीक है। आप लोग जो ऑनलाइन है, आपसे निवेदन है कि आप लोग बच्चों को बता दीजिए कि हाँ भैया ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की रेडियो टीवी क्लास है, जितने आपके दोस्त वगैरह हैं सबको बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं इसमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके काफ़ी आएंगे। इसमें आंसर होगा क्लास सी होगा, क्लास सी एम्पलीफायर आप यूज करते हैं। पुश पुल जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल होता है एम्पलीफायर आपका, वो क्लास बी में यूज करते हो आप, ठीक है। लेकिन क्लास सी आपका इसमें होता है, आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सी वाला पुश पुल। पुश पुल में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके आईटीआई लेवल पे नहीं आएंगे, आप परेशान बिल्कुल मत हो यार, ठीक है। एक तो पहली बार पेपर रिवाइज हुआ है तो क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, आए कम्युनिकेशन से भी। क्लास सी आपका होगा, हाँ क्लास सी ट्यून, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। द टर्मिनल इंपीडेंस ऑफ डायपोल एंटीना, डायपोल एंटीना का इंपीडेंस जो टर्मिनल इंपीडेंस होता है क्या कितना होता है? वाह केशव सनी जी आपका फेवरेट चैप्टर चल रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या होगा आपका आंसर इसमें, जो टर्मिनल इंपीडेंस आपका होता है वो कितना होता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, रटने वाला है, सबका अलग अलग होता है। हॉर्न एंटीना, डायपोल एंटीना, यागी उडा एंटीना, कई सारे होते हैं ना। यागी उडा एंटीना कौन सा होता है, जो पहले के टाइम पे हम लोग टीवी में एंटीना नहीं आता तो आप घुमा घुमा के चेक करते थे कि आया आ गया आया, बता देना, वैसे टाइप कुछ है, ठीक है। तो क्या होगा 75 ओम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 75 ओम इसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन सही है आपका इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार के दौरान टेलीफोन लाइनों में चलती है, संचार के दौरान टेलीफोन लाइंस में चलती है, बताइए क्या चलेगी आपकी? जल्दी जल्दी आंसर दो तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल वेव, आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वेव होगा ना, जी बिल्कुल सही जवाब, एकदम सबका एकदम सही है, इलेक्ट्रिकल वेव। आपको पता है कि आपका वायर होता है ना, वो वायर के अंदर तो इलेक्ट्रिकल जाएगा ना, वोल्टेज या करंट जाएगा, ऐसा जाएगा नहीं। अगर आपका वायरलेस रहा तो क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपसे उनकी स्पीड पूछ ली जाती है कितनी होती है, तो वो लाइट के बराबर होती है स्पीड आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायर पूछेगा तो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिकल होगा। वायरलेस में पूछेगा तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, ठीक है। वायरलेस में स्पीड ऑफ रेडियो वेव क्या होता है बताइए भाई, रेडियो का स्पीड क्या होगा? कोई नहीं, आज गलत हो रहे हैं ठीक है, लेकिन परसों के लिए फायदा रहेगा ना आपको, परसों के लिए पीडीएफ मैंने आंसर टिक कर रखे हैं, आप इनको पढ़ चले जाइएगा। तो उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे, अभी काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव को प्रयोग किया जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर यूज्ड, किसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज किया जाता है? आपको पता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं ना, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, कौन कौन से मटेरियल होते हैं आपके? रॉसेल सॉल्ट होता है, और कौन सा होता है आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, कौन सा होता है आपका? रॉसेल सॉल्ट, और तो बताइए किसमें होगा? वेरी गुड, माइक्रोफोन में होगा,
लाउड स्पीकर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डाउट है आप लोग को इसमें, देखिए माइक्रोफोन लाउड स्पीकर दोनों में बात हो सकती है, लेकिन आपका लाउड स्पीकर जो है वो सही है आपका। इसका कारण ये है कि देखिए लाउड स्पीकर क्या होता है आपका, आप बोलते हैं ठीक है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो ट्रांसड्यूसर होता क्या है, वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर आपका, लाउड स्पीकर एकदम सही आंसर है आपका। क्या होगा आपका, लाउड स्पीकर। एम्पलीफायर कैसे बोल रहे हो यार, एम्पलीफायर आपका बीजेटी एफईटी मॉस्फेट ये सब क्या होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं। एम्पलीफायर सर्किट जो बनती है वो आप लोगों को पता ही नहीं कि एम्पलीफायर बनता कैसे है, तो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, बीजेटी हो गया, मॉस्फेट हो गया, ये सब क्या है, सर्किट है ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, लाउड स्पीकर होगा आपका। बहुत बढ़िया सिंपल दिया है शशि रंजन जी ने, वेरी गुड, लाउड स्पीकर आपका होगा, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, नोड तथा उसके पास के एंटी नोड के मध्य की दूरी होती है, जरा ये कितनी होगी, आंसर बताइए आपका। चलिए बताइए आपका आंसर आपका, अच्छा आप बोल रहे हैं, चलिए क्या होगा आंसर आपका इसमें, लैम्डा बाई फोर कि लैम्डा बाई टू, अरे नोड और एंटी नोड बोल रहा है वो आपका, होता क्या है ऐसा होता है ना, तो मान लीजिए आपका जब दो वेव मिलती हैं तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होती है ना, साउंड में आपने पढ़ा होगा, तो आपका एक नोड बनता है, क्या बनता है, एंटी नोड बनता है, तो उनके बीच डिस्टेंस कितनी होती है आपकी, लैम्डा बाई टू होती है, लैम्डा बाई टू होती है आपकी डिस्टेंस ठीक है। तो आपका क्या होगा, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई फोर नहीं, लैम्डा बाई टू होगा, लैम्डा बाई टू। एक्चुअली इसके पहले वाले क्वेश्चन में माइक्रोफोन भी होता है, माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर दोनों होंगे भाई ठीक है, दोनों होंगे, तुक्के गलत हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कल सही हो जाएंगे, आज गलत हो चलेगा लेकिन परसों सही होने चाहिए, अभी मुद्दा ये है कि परसों सही होने चाहिए ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम सिग्नल, आपका जो पीसीएम का सिग्नल की बैंडविड्थ चौड़ाई होती है, डिप्लोमा बीटेक में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि पीसीएम की बैंडविड्थ कितनी होती है, अब आपने नंबर ऑफ बिट दिए ही नहीं है तो आप कैसे जानोगे, लेकिन आईटीआई में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपका बीसीएल टीटीए का एग्जाम हुआ था ना एक बार 14 या 15 में हुआ था आई थिंक, तो वहां पे क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही आए थे, फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे जिसमें आपको रट्टा मारना है ठीक है, तो इसी टाइप का ये भी है। पीसीएम क्या होगा आपका, पीसीएम में क्या होगा आपका, कितना होता है, 35 किलो हर्ज, 35 होता है आपका, 35, ये मैं जानता हूँ गलत हो जाएगा, एक्चुअली आप चाहे बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो, बीटेक डिप्लोमा वाले कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन आईटीआई में दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नंबर आप बिट्स के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो ठीक है। 35 भाई 35 होगा ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं तेजी से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केबल जो केबल टीवी नेटवर्क में प्रयुक्त होता है, जो आपकी केबल होती है, जो आपके घरों में केबल लगी होती है, वो किस प्रकार की होती है, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, पीवीसी या नन ऑफ दीज, कौन सा होगा आपका। जी हाँ बिल्कुल सही है, आपके जो ट्रांसड्यूसर वाला क्वेश्चन था पीजो इलेक्ट्रिक वाला, उसमें माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर दोनों सही होंगे, एक्चुअली वो लगता है क्वेश्चन उन्होंने दो आंसर टाइप कर दिए हैं, माइक्रोफोन भी होगा, एकदम सही है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं रहेगा ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो आपके घरों में केबल लगी होती है वो कौन सी होती है, अरे ये वाले भी ऑप्टिकल फाइबर यूज करोगे आप लोग, हद है यार, ऑप्टिकल फाइबर सबसे महंगी होती है पागल ठीक है, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, पागल ऐसे मैंने बोला है ठीक है, मजाक में आपसे बोला है। आपका कोएक्सियल केबल होता है, कोएक्सियल केबल ऐसा होता है आपका, आपका एक कॉपर वायर होता है, फिर उसके बाद प्लास्टिक होती है, उसके बाद झिल्लीदार परत होती है ना, फिर उसके बाद वाइट या ब्लैक आप परत प्लास्टिक यूज करते हो आप, तो आपका वो कोएक्सियल केबल होता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ठीक है। पीवीसी होगा, पीवीसी आप घरों में जो पॉलीविनाइल क्लोराइड आप लोग हद करते हो यार, पीवीसी यूज करोगे आप। चलिए आपका बी वाला सही है, कोएक्सियल केबल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
सैटेलाइट ऑपरेट्स ऑन, सैटेलाइट ऑपरेट होता है, बताइए किस पे ऑपरेट होगा आपका? हाँ, ऑप्टिकल फाइबर बहुत महंगी होती है आपकी, ऑप्टिकल फाइबर बहुत महंगी होती है, तो क्या होगा आपका आंसर? सैटेलाइट किस पे ऑपरेट होती है बताइए? सैटेलाइट किस पे वर्क करता है आपका? ये अच्छा, ये लगा हुआ क्या केबल टीवी वाला? अरे इसके पीछे वाला कर दो आप। अच्छा 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 नहीं, आगे कर दो। इन्होंने आंसर दे दिया है, डीटीएच दे दिया है। तो ठीक है, डीटीएच वाले में वो डीटीएच वाला कर दो आप। ठीक है जी, हाँ डीटीएच वाला आपका जो है सैटेलाइट टीवी हैज पॉपुलर डीटीएच, बिल्कुल सही है, आपके घरों में डायरेक्ट टू होम सर्विस लगा हुआ, इसलिए डीटीएच तो सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एकदम सही है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सैटेलाइट ऑपरेट्स ऑन, सैटेलाइट ऑपरेट करता है जी, बताइए क्या होगा आपका? सैटेलाइट ऑपरेट किस पे करेगा आपका? आपका वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी दोनों पर, डी पर, एकदम सही जवाब है, एकदम परफेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है जी चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रेडियो, अगर आप रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाते हो तो किस में परिवर्तन होता है? अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई लाइट है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या चेंज होगा आपका? आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है। आप मान लो एक डोरी है, आपने दीवार से बांध रखी है, तो जितना आप हाथ तेजी से घुमाओगे आपका डोरी उतनी तेजी से क्या होगा? मूवमेंट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी स्रोत पर डिपेंड करती है ना कि माध्यम पर, ठीक है? तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? तीव्रता और पिच, वेरी गुड सुशील जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसमें क्या होगा आपका? सी होगा, इंटेंसिटी और पिच दोनों ही बढ़ते हैं जी। त्रिपाठी जी, चंचल त्रिपाठी जी, सी एकदम सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा इशू आ गया, टेक्निकल इशू आ गया, आप जैसे जानते हैं कल गूगल भी थोड़ा सा क्रैश आउट हो गया था, तो गूगल से ही हम जुड़े हैं, गूगल चला गया तो हम भी चले जाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है, हम लोग का दिल का रिश्ता है, जुड़े रहेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक्निक जो आपकी होती है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक्निक इज यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हो आप? जी हाँ, आप सही हो गया है, सॉरी वो टेक्निकल इशू थोड़ा गया था, ठीक है जी। तो क्या होगा आपका यहाँ पे? ए टू डी कन्वर्जन, आपने पढ़ा होगा डी टू ए और ए टू डी, तो उसमें आर टू आर लैडर, सक्सेसिव स्लोप, कई सारे होते हैं, तो उसमें क्या होगा आपका? ए टू डी कन्वर्जन, आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है? इसमें आपका ए ऑप्शन एकदम परफेक्ट सही है, ए ऑप्शन होता है आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रेजिस्टेंस रेटिंग ऑफ नॉर्मल लाउड स्पीकर, जो नॉर्मल लाउड स्पीकर होता है उसकी रेजिस्टेंस रेटिंग कितनी होगी जी, बताइए क्या होगा? क्या होगा आपका? रेजिस्टेंस रेटिंग कितनी होगी आपकी? 8 ओम होगी ना, 8, वेरी गुड, 8 ओम एकदम सही है, सही जवाब है आपका एकदम 8 ओम, ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स,
आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर चिप के मुख्य प्रकार हैं? कौन सा मुख्य प्रकार होगा बताइए? आप में कंप्यूटर भी है ना, कंप्यूटर में आपका है, उसमें लैन मैन वैन आप बेसिक कंप्यूटर जानते हो, उतना अगर जानोगे तो दो चार क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो आपका पार्ट ए में आईटी लिटरेसी जो है वो भी कंप्यूटर ही है, और पार्ट बी में आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मजे हैं, काफ़ी चीज़ें आप पढ़ लेते हो पार्ट बी वाली पार्ट ए में भी, ठीक है। क्या आपका सी ऑप्शन सही है एकदम, माइक्रो प्रोसेसर और प्राइमरी। तो आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था आपका बताइए, आंसर दीजिए आंसर लिख कर, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था आपका, 8085 ना, फिर दूसरा आपका 8086 आया था, जी हाँ एकदम। देखिए पार्ट ए में आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और आईटी लिटरेसी, यहीं पे आपका कंप्यूटर भी आएगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा, तो आप पार्ट ए में भी आप कमाल कर सकते हो, पार्ट बी में भी जी। 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज नोन एज, इन्होंने बोला है किसी कंप्यूटर पर, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आपका, एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, आईपी, इन आईपी आपको पता है ना क्या होता है आपका, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना, यूआरएल नहीं होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वो अलग होता है आपका, ये एड्रेस पूछ रहे हैं तो आईपी एड्रेस बोलते हो ना आप, आईपी एड्रेस, यूआरएल नहीं होता भाई, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, वो तो क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो आपका क्या जाएगा आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, वेरी गुड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब एक नॉन इनवर्ट एम्पलीफायर को इकाई लाभ के लिए तैयार किया जाता है तब उसे कहते हैं, मीन्स ये बोल रहे हैं कि एक आपके पास एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन कितना है, इकाई है, तो उसको क्या बोलोगे आप, आईपी, हाँ आईपी है, एकदम सही है आपका, आईपी एकदम परफेक्ट है जिसने आईपी दिया है, क्या होगा आपका क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जी हाँ क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वोल्टेज फॉलोवर, वेरी गुड। आपका क्या होता है वोल्टेज फॉलोवर, जिसको आप बोलते हैं कॉमन कलेक्टर बोलते हैं ना आप, एमीटर फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर, ठीक है सही है। आईपी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जैसे आपका घर का एड्रेस होता है ना कि भैया हम फला जगह फला गली फला नंबर में रहते हैं, तो वैसे आपका क्या होता है आईपी एड्रेस भी होता है सबका अलग अलग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एंड्स ऑफ लोड लाइन ड्रॉन अ फैमिली ऑफ कर्व डिटरमाइन, यानी कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है सी बी सी ई और सी सी में, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें आपका जो सेचुरेशन कटाव कहाँ होता है, आंसर बताइए इसका क्या होगा आपका, ए होगा, एकदम परफेक्ट सही है ए आपका। इन्होंने बोला है कि एंड्स, यानी कि आपका जैसे कि ये कर्व होता है ना, आपने देखा होगा कुछ ऐसा बुक्स में आपने देखा होगा, तो आपका ये जो एंड वाला होता है ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो ये आपका सेचुरेशन में होता है और ये कट ऑफ में होता है ना, तो आपसे यही पूछ रहा है, ये कट ऑफ होता है, ये आपका सेचुरेशन होता है, तो आपसे यही पूछ रहा है वो, ठीक है। क्या होगा आपका ए ऑप्शन सही है, एकदम परफेक्ट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला, नॉइस फैक्टर फॉर अ आइडियल एम्पलीफायर, आइडियल एम्पलीफायर के लिए नॉइस फैक्टर क्या होता है जी बताइए,
वन डीबी मत बोला करो यार, जब भी आइडियल केस आ जाए ना, आइडियल, तो ये याद रखो कि ये नॉइस फैक्टर क्या है आपका, एक लॉस ही है, तो आइडियली लॉस होता ही नहीं है, आप उसको एज्यूम करते नहीं हो, क्या होगा, जीरो डीबी होगा भाई, जीरो डीबी, इसमें तुक्का मार सकते हो आप, जीरो डीबी, कुछ आइडियली जब भी बात होती है तो वो एकदम एक्सेप्शनल केस होता है, तो क्या होगा, जीरो डीबी आपका, एकदम सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे महंगी कपलिंग निम्न में कौन सी है, जीरो डीबी होता है। मुझे पता था कि आज क्वेश्चन आप लोग गलत करोगे, ठीक है, प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, प्रैक्टिस चल रही है बस, हो गया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आपका 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 आपके बेसिक से ही आएंगे, जो कॉमन आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में है, 50 क्वेश्चन उससे आएंगे, 25 आपके कम्युनिकेशन, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, इन सबसे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, आपको 27 ही लाने हैं, आप परेशान ना हो, पेपर देके आओगे तो आप कहोगे हाँ सर सही बोल रहे थे आप। डायरेक्ट कपलिंग सबसे महंगी होती है, ट्रांसफार्मर कपलिंग, वेरी गुड विनीत कुमार जी, एकदम सही जवाब का है, ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हो, तीन टाइप कपलिंग होती है ना, डायरेक्ट कपलिंग होती है और आरसी कपल होता है और आपका ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है। आरसी कपल कब बोलते हो आप, ये यूज किया जाता है मल्टी स्टेज में, जब कई सारे एम्पलीफायर को जोड़ते हो, अगर बीच में आपने कैपेसिटर लगा दिया है दो एम्पलीफायर के बीच में, तो क्या बोलते हो, आरसी कपलिंग। अगर आपका कोई बीच में सोर्स नहीं है तो आप बोलते हो डायरेक्ट कपलिंग, मतलब कपलिंग मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना, और ट्रांसफार्मर का क्या बोलते हैं आप, ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो डायरेक्ट कपलिंग जो होता है वो आपका ओपैम ही होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो जीरो फ्रिक्वेंसी को भी एम्पलीफाई कर देता है। आरसी में क्या होता है कि आपका वो लो और हाई फ्रिक्वेंसी को मैक्स मिनिमाइज कर देता है, ठीक है, तो अब क्या ट्रांसफार्मर कपलिंग होगा, एकदम सही जवाब है, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, ट्रांसफार्मर कपलिंग। ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैसे नहीं मिल रही यार, आप कैसे बोल सकते हो, देवेंद्र जयंत अपना ऐप आप अपडेट करो, सभी को पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूं, ऐसा मत बोलो यार अब तो कम से कम, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर सर्किट में इंपेडेंस मैचिंग की जाती है किस लिए भाई, बताइए, इलेक्ट्रिशियन क्लास नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रिशियन क्लास कल होगी आपकी, संडे को मैं आपको लास्ट में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। क्या होगा बताइए आंसर इसका, पीडीएफ यार मैं बोल रहा हूं लास्ट बार, ठीक है, ऐप में जाकर आप देखोगे, आपका अगर ऐप अपडेट नहीं होगा उसको आप अपडेट कर लो, हर एक लेक्चर का मैंने पीडीएफ दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या होगा इसका आंसर आपका, डी, इंश्योर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। अरे आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए होता है, इंपेडेंस मैचिंग किस लिए करते हो आप, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जी। सर क्वेश्चन तो क्या है आपका, देखें क्या लगा हुआ है, फीफो वाला, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज फॉर्म बाई, आपके रजिस्टर होते हैं ना चार टाइप के, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट, और आपका पैरेलल इन, सीरियल आउट, ये चार टाइप के होते हैं ना आपके, शिफ्ट रजिस्टर, बिल्कुल सही जवाब है आपका, एकदम परफेक्ट सही है, फीफो इज फाउंड बाई अरेंजमेंट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, एकदम सही है जी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इज यूज्ड इन, ट्रायक यूज होता है, ट्रायक मतलब क्या होता है आपका, ट्रायोड फॉर एसी, ट्रायक जो बना है शब्द वो बना है ट्रायोड फॉर एसी के नाम से, ठीक है। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं ना आपके, गेट और एनोड और कैथोड, गेट और कैथोड नहीं होता एक्चुअली, आपका MT1, MT2 और गेट होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, ट्राय कहां यूज होता है आपका,
ऑल रजिस्टर आपका देखिए सीरियल इन हो रहा है। अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा पूरा इसका, ठीक है? अभी क्वेश्चन आगे मिलेगा तो आपको बता दूंगा पूरा इसका कैसे होता है। चलिए क्या होगा आपका आंसर बताइए। कलर टीवी में, वेरी गुड, अरे वाह राहुल चौरसिया जी, एकदम सही जवाब आपका है। कलर टीवी में आप यूज करते हो ट्रायक को, बहुत बढ़िया, जैसे भी दिया आपने आंसर बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे, ठीक है? कहाँ करते हो आप? कलर टीवी में करते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ मॉस्फेट इज डिफाइंड एज, मॉस्फेट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्या तात्पर्य है? मॉस्फेट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्या तात्पर्य है बताइए। हाँ स्टेपर मोटर भी आप करते हो ट्रायक को, लेकिन वहां पर दिया नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जो नहीं दिया है। जी बताइए क्या होगा आंसर आपका, थ्रेशोल्ड वोल्टेज वाला का आंसर। थ्रेशोल्ड वर्ड आप नॉर्मली थ्रेशोल्ड से लगता है कि थ्रेशोल्ड मतलब कि एक ऐसा पॉइंट उसके बाद कुछ होने वाला है। थ्रेशोल्ड मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट उसके बाद कुछ हो सकता है, यानी कुछ चेंज होने वाला है। तो क्या होगा आपका आंसर इसमें? द गेट सोर्स वोल्टेज एट विच, यानी कि वह गेट स्रोत वोल्ट था जिस पर आपका ड्रेन धारा बहना स्टार्ट हो जाता है, आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब है। सोनिया कुमारी जी आपका, मुकेश चौहान जी आपका एकदम सही है। जी आपका डी वाला ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही होगा, परफेक्ट सही है आपका, डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। ओके आपका डी वाला एकदम परफेक्ट सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है फंक्शन ऑफ इन्वर्टर इज टू कन्वर्ट, इन्वर्टर का मेन फंक्शन क्या होता है? इन्वर्टर, इन्वर्टर का मेन फंक्शन क्या होता है जी बताइए। डीसी टू एसी, लेकिन कौन सा एसी? आज इलेक्ट्रीशियन की क्लास नहीं होगी, कल होगी। योगेंद्र सिंह जी बिल्कुल सही जवाब का, सी आपका एकदम फिक्स होता है। डीसी टू एसी पावर ऑफ वेरिएबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल आपका देता है, ठीक है? फिक्स्ड नहीं, वेरिएबल। आप इन्वर्टर कभी खरीदे हो, खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हैं आपसे कि सर साइन वाला चाहिए कि स्क्वायर वाला चाहिए, ठीक है? अगर साइन वाला रहेगा तो आप साइन पूछते ना, साइन वेव चाहिए कि स्क्वायर वेव चाहिए, तो साइन और स्क्वायर का वैल्यू अलग अलग होता है ना। तो आपका सी वाला सही है, वेरिएबल होता है आपका, सी एकदम सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ यूजेटी हैज, यूजेटी अरे नहीं सही 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 हाँ एससीआर सही है, सही है, सही है एकदम बराबर। टर्मिनल ऑफ एससीआर आर, जी बताइए एससीआर में टर्मिनल होते हैं, एससीआर में टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? जो लोग फिक्स फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं आप खुद सोचो यार कि 50 हर्ट्ज आपकी फिक्स होती है क्या इंडिया में? प्लस माइनस 3% आप करते हो ना कि ऊपर नीचे होती है, हाँ तो फिक्स कैसे हो जाएगा बताइए। एनोड कैथोड और गेट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एससीआर होता है क्या? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, रेक्टिफायर की तरफ वर्क करता है। आपका जो नॉर्मल डायोड होता है क्या होता है रेक्टिफायर, वो लो वोल्टेज को करता है, आपको हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ी तो आपने एससीआर यूज कर लिया, ठीक है? तो आपका एससीआर करता है, रेक्टिफायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूजेटी हैज,
यूजेटी में आपका होता है क्या, बताइए जी। हाँ जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है, क्वेश्चन काफ़ी हैं आपके। यूजेटी में क्या होता है, आपके तीन टर्मिनल होते हैं, यूजेटी क्वेश्चन आपका है, यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं, तो तीन होगा ना आपका, सी। इस क्लास का पीडीएफ क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। मैं जान रहा हूँ पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टाइम कम है, तो इसके बाद ही आपका अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है जी। थ्री होगा एकदम सही जवाब है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे फास्ट डिवाइस है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे फास्ट डिवाइस होता है, बताइए। आपका मॉसफेट होगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ पावर मॉसफेट हैज थ्री टर्मिनल, क्वेश्चन आपका है, अ पावर मॉसफेट हैज थ्री टर्मिनल इज कॉल्ड, आपके मॉसफेट में तीन टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए। अब पावर लग गया है तो आप कुछ और में चेंज कर देना, पावर मॉसफेट में मतलब मॉसफेट है तो उसमें वही होंगे जो मॉसफेट में होते हैं, ठीक है। क्या होगा आपका, ड्रेन, सोर्स और गेट, ड्रेन, सोर्स और गेट होता है, कलेक्टर कहाँ होता है भाई मेरे, ड्रेन, सोर्स और गेट। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बीजेटी और मॉसफेट में कंपेयर करके, कि जो एमीटर, जो बीजेटी का एमीटर होता है वो मॉसफेट का कौन सा होता है, तो वो सोर्स होता है। बीजेटी का कलेक्टर क्या होता है, वो आपके मॉसफेट का ड्रेन होता है। बीजेटी का गेट बेस क्या होता है, वो मॉसफेट का गेट होता है, ठीक है, एकदम परफेक्ट सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रेन, सोर्स और गेट आपका, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, ऐसे ही पूछ रहा हूं नॉर्मली, मॉसफेट कौन सा होता है, वोल्टेज कंट्रोल की करंट कंट्रोल, बताइए क्या होगा आपका मॉसफेट कैसा होगा, वोल्टेज कंट्रोल की करंट कंट्रोल, जी बताइए क्या होगा मॉसफेट कैसा होता है, मॉसफेट कैसा होता है आपका, वोल्टेज कंट्रोल की करंट कंट्रोल, जी बिल्कुल सही स्नेहल इंग्ले, वोल्टेज कंट्रोल एकदम परफेक्ट सही है आपका, ठीक है एकदम सही। अरे वाह आप लोग को पता है। हाँ चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीसीएम, पीसीएम स्टैंड्स फॉर, पीसीएम क्या बोलते हैं आप जी, ज्यादा नहीं थोड़े से हैं, बहुत कम है, टेंशन मत लो आप यार, मुझे पता है आपका टाइम बहुत ही प्रीसियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस फटाफट जल्दी लिख लेते हैं, ठीक है ज्यादा नहीं करेंगे जी। PCM stands for क्या होगा आपका, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CMRR, CMRR, CMRR का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है फुल फॉर्म आपका, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा आपका जी, ए ऑप्शन आपका सही होगा, आपका ए ऑप्शन है, डिफरेंशियल गेन अपॉन में कॉमन मोड गेन होता है, ए ऑप्शन। लगता है आपने उपायम पढ़ा नहीं, उससे पहले आपका क्या आता है, लेवल शिफ्टर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ते हैं ना आप जी, उसी में आता है आपका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, एकदम सही जवाब है आपका, ए वाला ऑप्शन सही है, ए इसका ए सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? सब बताएंगे इसको आंसर, चाहे कुछ भी हो जाए आंसर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन हो चुका है, आंसर आपको बताना पड़ेगा। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? जी नैंड और नॉर, क्या होगा आपका? नैंड और नॉर। और बेसिक गेट कौन से होते हैं? एंड और नॉट होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम? ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये बताइए क्या होगा आपका? इसका आंसर मुझे चाहिए सबसे, ऑक्टल में कौन सा सबसे अधिकतम नंबर होगा? एंड नॉ, एंड और ऑड कौन दे रहा है यार? एंड, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, और एंड और नॉट, ये बेसिक गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर होता है। जहां पे भी लिखा है कि यूनिवर्सल गेट एंड और नॉट होता है वो सरासर गलत है, उस किताब को फाड़ दो आप, ठीक है? नैंड और नॉर ही यूनिवर्सल गेट होते हैं। 777, अरे डबल ट्रिपल एफ कब होगा? चार बार एफ कब होगा आपका? जब आप 16 बोलोगे हेक्साडेसिमल, ऑक्टल में 7 से ऊपर आप नंबर लेते ही नहीं हो, तो कैसे आप 999 दे रहे हैं बताइए? अरे वाह जी, चलिए थैंक गॉड 777 आया, चार बार 7 आया। तो एफ एफ कहां से होगा आपका? ऑक्टल है वो, ऑक्टल में आप 7 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ऑक्टल मतलब 8, उसका बेस 7 होगा, उससे आगे आप नहीं यूज कर सकते हो। याद रखिए कि अगर 10 है तो क्या होगा? 9, अगर 2 है तो 1 होगा, अगर 8 है तो 7 होगा, अगर हेक्साडेसिमल 16 है तो एफ होगा। 777 एकदम सही जवाब है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, हाँ यार ऐसा थोड़ी होता है। 999 कैसे होगा भाई? शिव पूजन जी कैसे आप बात कर रहे हो यार, हाँ कुछ भी। चलिए आगे चलते हैं। दशमिक संख्या डेसिमल नंबर 16 बाइनरी के तुल्य है, इसको आंसर सही करना आप लोग, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या होगा आपका 16 का? क्या होगा आपका बाइनरी? सोलह का बाइनरी तो आपको पता है 1, 2, 4, 8, 16, ये 1 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो क्या आएगा आंसर आपका? 1, 4 times 0, अरे 1, 4 times 0, जी बिल्कुल सही जवाब। हाँ आगे चलते हैं, वेरी गुड, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि एक का पूरक 0 तथा 0 का पूरक 1 होता है, तो बोला गया है 0 0 0 1 1 0 0 0, अगर इसको आपका 1 कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो जहां 0 है वहां 1 कर दीजिए और जहां 1 है वहां 0 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? आपका हो जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट। 1 अगर आपका हो जाए, 2's पूछ ले आपसे, तो 2's में क्या करते हैं आप प्लस 1 ऐड कर देते हो 1's कॉम्प्लीमेंट के बाद, तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 0, यहां 1 आएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा? 0, यहां 1 आएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा? 0, फिर यहां पे 1 आएगा, तो 1 0 1 1 1, ये हो जाएगा आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1's और 2's कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है? नहीं आ रहा क्या सर उसमें? आ गया जी बिल्कुल। तो ये ध्यान रखिएगा, 1's कॉम्प्लीमेंट आपका ये होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट आपका प्लस 1 आप ऐड करते हो, ठीक है? एकदम सही जवाब, भी आपका एकदम सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए नॉर कितने आवश्यक होते हैं, नॉर गेट की संख्या कितनी होती है। आरएस द नंबर ऑफ फ्लिप द नंबर ऑफ लॉजिक गेट रिक्वायर्ड टू मेक आरएस फ्लिप फ्लॉप कितना होगा बताइए। मैं लास्ट में आपको बता रहा हूं, डोंट वरी, लास्ट में बताऊंगा आपको, निश्चिंत रहो आप, लास्ट में रिपीट कर दूंगा, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं पूरे, फिर लास्ट के टाइम में आपको मैं बता दूंगा जी, ठीक है। चलिए क्या होगा आपका, दो आंसर एकदम सही है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम, कौन सा बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा आपका, जीरो और वन। बाइनरी में दो करते हो ना, दो नंबर आने चाहिए, तो जीरो और वन आपका आएगा, ठीक है, एकदम सही है। आगे चलते हैं, इन अ डिकेड काउंटर, एक डिकेड काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं बताइए जी। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, इससे लेवल और भी कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन लेवल इतना रहेगा, डिजिटल में इतना ही रहेगा, डिजिटल तो आपका इजी है ना जी। क्या होगा बताइए, डिकेड काउंटर में क्या होगा आपका, कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। अब आपको काउंट करना है कितना, 10, तो आप 3 तो करेंगे नहीं, क्योंकि 2 की पावर 3 करोगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 तक आपको काउंट नहीं करना, आपको 10 तक काउंट करना है, तो 4 आपको लेना पड़ेगा ना, अगर 10 ले लिया तो ज्यादा हो जाएगा, 3 नहीं, 3 लोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 80 लेगा ना ये, आपको 10 तक करना है, डिकेड मतलब होता है 10, तो आपको 4 लेना पड़ेगा, ठीक है, 4 एकदम सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका क्वेश्चन है, अप डाउन काउंटर किसी भी ऐच्छिक दिशा में गणना कर सकता है, इसकी दिशा निर्भर करती है, एक अप डाउन काउंटर है वो किसी भी दिशा में गणना कर सकता है, दिशा किस पर निर्भर करती है बताइए। आपके क्या होते हैं काउंटर, दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है आपका असिंक्रोनस, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है असिंक्रोनस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपका, क्लॉक पल्स एक साथ दी जाती हैं, एक साथ, यहां पे क्या होता है आपका क्लॉक पल्स, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे वाले के लिए क्लॉक पल्स हो जाता है, तो ये आपका स्लो होता है, ये आपका फास्ट होता है, ठीक है, तो क्या होगा आपका ऑल ऑफ दीज होगा, कंट्रोल इनपुट, एकदम सही है आपका, कंट्रोल इनपुट होगा जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए क्या होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटर में जो आपका काउंटर होता है वो कौन से आप फ्लिप फ्लॉप यूज करते हो काउंटर में बताइए। जेके, बिल्कुल सही जवाब, जेके या टॉगल भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको टॉगलिंग के माध्यम से करना है ना, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे आप करते हो ना, तो क्या होता है आपका जेके यूज होता है, बिल्कुल सही जवाब है जेके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जेके एकदम परफेक्ट सही है। जेके का फुल फॉर्म क्या होता है किसी को पता है, जेके का फुल फॉर्म जैसे एसआर का होता है सेट रिसेट, टी का होता है टॉगल, डी का होता है डिले, तो जेके क्या होता है आपका, जेके का फुल फॉर्म बताइए। इलेक्ट्रॉनिक, मैंने आपसे बताया 14 वाले में सब कंबाइन था, कोई ब्रांच अलग नहीं थी, ये पहली बार हो रहा है कि आपके अलग अलग ब्रांच के आ रहे हैं पेपर, ठीक है, पहले नहीं था साहब, अब हुआ है इस बार। जय किल्बी, बहुत बढ़िया आंसर जय किल्बी जी, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन क्या दिया है आपका, क्वेश्चन आपका है कि फ्लिप फ्लॉप ग्रुप स्टोरिंग बाइनरी नंबर क्या कहलाता है आपका, रजिस्टर, रजिस्टर आपके होते हैं ना सीरियल इन सीरियल आउट, अगर आपका सीरियली डेटा इन होता है और सीरियली आउट होता है तो आप बोलते हैं सीरियल इन सीरियल आउट। जैसे अगर आप मॉल में जाते हो ना तो गेट होता है, तो आप सीरियली जाते हो, सीरियली वहां से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो आपका वो सीरियल इन सीरियल आउट होता है, तो आपका क्या होगा नेक्स्ट, इसमें क्या होगा रजिस्टर होगा, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
रिंग काउंटर इक्विवेलेंट टू, रिंग काउंटर समतुल्य होता है, बताइए जी समतुल्य होता है किसके बराबर, रिंग काउंटर। ये नेट ने हमारे बीच में दूरियां पैदा कर दी हैं, ठीक है, वर्चुअली क्लास हो रही है, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, आप कमेंट भी करते हो तो थोड़ा लेट आते हैं, ये दिक्कत हो जाती है, सामने होते तो और मजा आता है। चलिए कोई नहीं, मुलाकात करेंगे आपसे सभी लोगों से, बस आप लोग एएलपी निकाल लो। चलिए क्या होगा आपका रिंग काउंटर, किसके बराबर होगा आपका, शिफ्ट रजिस्टर के बराबर होगा, एकदम सही जवाब है, शिफ्ट रजिस्टर एकदम परफेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जी एकदम सही था, शिफ्ट रजिस्टर परफेक्ट सही था। अब आ क्या आ गया, मक्स 8:1 मक्स में, जी क्या होगा आपका 8:1 मक्स, मक्स क्या बोलते हैं आप, मल्टीप्लेक्सर यानी मेनी टू वन, मेनी इनपुट वन आउटपुट, तो क्या होगा आपका इसमें आंसर, आपका आपका 8:1 है, तो क्या करते हैं आप, यहां पे आपका हो जाएगा ये आपका मक्स हो गया, ठीक है 8:1, तो आपके 8 इनपुट हो गए, ये आपका इनपुट होता है, ये आपका आउटपुट होता है, ठीक है ये आपका इनपुट होगा, ये आपका आउटपुट होगा, मक्स है डीमक्स होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो आपके 8 इनपुट यानी कि आई नॉट से आई 7 तक होंगे इनपुट, और पूछा है सेलेक्ट लाइन, तो कितना होगा ये हो जाएगा यहां से 2 की पावर 3, ये 3 आपका है 3, ये होता है आपका सेलेक्ट लाइन S2 S1 S0, ये हो जाएगी सेलेक्ट लाइन आपकी, ठीक है एकदम सही जवाब सी, एकदम परफेक्ट सही है सी, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, S0 S1 S2, ठीक है अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो सर के मजे लेते हैं कमेंट के साथ ही हैं नहीं ठीक है आपका मैं बड़ा भाई जैसा हूं, बड़ा भाई है छोटा भाई जो समझ लीजिए आप, गुरुदक्षिणा नहीं है, गुरुदक्षिणा जरूरत नहीं है आपको, बस आपका हो जाए यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, कोई आवश्यकता नहीं गुरुदक्षिणा की, बस आपका हो जाए, मन लगा लीजिए आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है सर, ठीक है अभी ठीक है, रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डीमक्स में आपका क्या होगा 4, बहुत बढ़िया, जैसे वो था आपका सेम उल्टा आपका अभी होगा 1:16, तो क्या होगा इसमें 1 इनपुट होगा, ये आपका इनपुट ही रहता है और ये आपका हो जाएगा आउटपुट, तो यहां पे 16 हो जाएंगे आई नॉट से आई 15, और आपके सेलेक्ट लाइन कितने होंगे 4 हो जाएंगे S0 S1 S2 और S3, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आप निश्चिंत रहो, ये नहीं पूछेगा आपसे कि 16 आपको बनाना है 16:1 बनाना है यूजिंग 2:1, तो क्या होगा, तो आप क्या करते हो 2 से उसको आप कर देते हैं, तो क्या होगा आपका 4 सही है, एकदम परफेक्ट सही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, आवृत्ति डिवाइडर के रूप में कौन सा यूज किया जाता है, जी बताइए क्या होगा, पार्टी होगी बिल्कुल होगी, धुआंधार होगी, धमाकेदार होगी, ठीक है सबके साथ होगी, जी बताइए क्या होगा आपका आंसर, ऑल अरे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर आपका काउंटर जो होता है वही होता है, ठीक है वो फ्रीक्वेंसी डिवाइड करता है, काउंटर आपका ए सही है, इतना भी तुक्का मत मारो यार कि चलिए ठीक है, तो आपका क्या होगा ए काउंटर, जी चलिए क्या होगा आपका ए काउंटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन आपका है वह रजिस्टर जो डेटा को क्रमानुसार एक एक बिट करके ग्रहण करता है और आउटपुट एक ही समय में देता है कहलाता है, जी बताइए क्या होगा आपका, रामलीला मैदान है ना आपके लिए, क्या दिक्कत है वहां करेंगे पार्टी, क्यों परेशान हो आप, फ्लिप फ्लॉप भी करता है, अरे फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर करता है, फ्लिप फ्लॉप की मदद से आप काउंटर बनाते हो मेरे भाई, ठीक है कहाँ आपकी गलती नहीं है, बुक्स बहुत सारी ऐसी मार्केट में अवेलेबल है जो बहुत गलतियाँ करती हैं, ठीक है हमसे भी गलती होती है ऐसी बात नहीं है, हम भी गलत बोल सकते हैं लेकिन अभी के लिए नहीं बोल सकते हैं।
बोल रहे हो आप यार, सीसो कैसे होगा, आउटपुट बोल रहा है एक साथ निकालते हो आप। उन्होंने बोला है कि आपका जो इनपुट होता है वो सीरियली आता है, ठीक है, कुछ ऐसा एक एक बार जाएगा, यानी कि एस आई हो जाएगा सीरियल इन, लेकिन आपका जो डेटा निकलता है वो एक साथ निकलता है, मीन्स ऐसे एक साथ निकल जाएगा आपका। क्या होगा ये पैरेलल आउट होगा ना, सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट मेरे भाई, सीरियल इन सीरियल आउट में क्या होगा आपका, इसको समझ लीजिए आप, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, बस दो मिनट लगेगा आपको समझाने में, बस दो मिनट, ठीक है सर। थोड़ा फिगर हटा दीजिए जी आपका, देखिए एस आई एस ओ का मतलब होता है सीधे आपका डेटा आपका यहां से जाएगा और यहां से निकलेगा, फिर आपका एस आई पी ओ अगर है तो क्या होगा आपका डेटा जाएगा और ये यहां से एक साथ निकल आएगा पूरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका होता है पी आई एस ओ, अब इसमें क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका पी आई, आपका डेटा जाएगा ऐसे एक साथ और ये सीरियली ऐसे निकलेगा। फिर आपका लास्ट क्या होगा पी आई पी ओ, यहां क्या होगा आपका, आपका डेटा पैरेलली जाएगा और पैरेलली निकल जाएगा, ठीक है। तो सी आई एस आई पी ओ बिल्कुल सही जवाब है, सीरियल इन पैरेलल आउट एकदम परफेक्ट सही है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है माउस ट्रैक बॉल जॉयस्टिक किसके एग्जांपल हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे पिछली बार, अभी आपको मैं हो जाने दीजिए क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ क्या कारण है, आप लोग एनालिसिस करते नहीं हो यार पेपर की बिल्कुल भी, आप सिलेबस देखते नहीं हो, एनालिसिस नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो आप तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते भी नहीं हो, बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है, ठीक है रुकिए। माउस ट्रैक बॉल जॉयस्टिक किसके एग्जाम्पल है बताइए, पॉइंटिंग डिवाइस, ए कंप्यूटर यार, हाँ ए एकदम सही है, पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंट करते हैं ये, पॉइंटिंग माउस जॉयस्टिक होता नहीं आपका जो पॉइंटिंग डिवाइस, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फाइल नेम एक्सटेंशन एमएस पावर पॉइंट 97/2013, पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है बताइए, पावर पॉइंट एक्सटेंशन क्या होता है बताइए, ए डॉट पीपीटी, एकदम सही है डॉट पीपीटी, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंटरनेट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटरनेट पर सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज, जी क्या होता है बताइए, डाउनलोडिंग एकदम सही है, सी आपका एकदम परफेक्ट सही है, सी एकदम सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए एल यू इज द पार्ट ऑफ ए एल यू अर्थमैजिक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ए एल यू किसका पार्ट होता है बताइए, ALU CPU में होता है ना आपका, CPU में ALU और CU होता है ना, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है आपका CPU, एकदम सही जवाब है। चलिए कुछ थोड़ा एक दो बात सुन लीजिए, देखिए ऐसा है, बोलूं मैं एक बात बोलनी है आपको, बोलूं, चलिए बोलते हैं, 2014 वाले में जो आपका ALP होता था वो 100 नंबर का था, एक ही पेपर होता था 100 नंबर का, ठीक है, उसमें आपके मैथ रीजनिंग GS GK के हर एक ट्रेड का कंबाइन पूरा आता था मिला के, तो पहले क्या होता था कि भाई जो मैथ रीजनिंग पढ़ लेता था GK GS पढ़ लेता था उसका हो जाता था,
लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जब आप ALP क्वालिफाई करके जाते हो तो वहां पे आपको ट्रेनिंग में बहुत दिक्कतें आती हैं। अब आप यार इंजीनियर हो या ITI करके आप आए हो, आपको रजिस्टर नहीं पता है, कैपेसिटेंस नहीं पता है, इंडक्टर नहीं पता है, इस वजह से उन्होंने इस बार चेंज किया है सिलेबस को पूरा, पार्ट ए पार्ट बी कर पार्ट बी को क्वालिफाई बस किया है। तो आपका जो पेपर पैटर्न है ये मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन कम्युनिकेशन से बहुत कम आते थे, 2-3-4 क्वेश्चन बहुत हो गया, 20 साल में अगर पूरा इकट्ठा करोगे तो 15-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कम्युनिकेशन से, तो बहुत टफ नहीं आने वाला है, एकदम निश्चिंत रहो आप, एकदम परफेक्ट रहेगा आपका। इस बार आपका जो पेपर बनेगा टेक्निकल का बहुत ही आराम लेवल बनेगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं बनेगा। आप होता है कि आपका एग्जाम है तो आप ऑब्वियस बात है, मेरा एग्जाम होता तो मैं भी टेंशन में रहता, ठीक है। तो जिसका एग्जाम होता है वही जानता है कि क्या हालत होती है, हमारा काम है समझाना, बाकी आप खुद ही करेंगे। प्लस हमारा काम है, देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो आप आराम से मेहनत करो, जितना आपने पढ़ा है उतना ही पढ़ो, टाइम नहीं है, परसों आपका है पेपर, ठीक है। तो जितना आपने पढ़ रखा है उतना ही पढ़िए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पेपर आपका टेक्निकल अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आप आराम से क्लियर होगा, गारंटी मेरी है, मेरा आशीर्वाद भी है और मेरा आपके साथ शुभकामनाएं भी जुड़ी हुई हैं, एकदम निश्चिंत रहो आप। वाईफाई स्टडी आपकी एकदम लगा हुआ है दिन रात, एकदम निश्चिंत रहिए आप। अब ऐसे RRB JEE भी आ गया है, अब उसमें क्या होगा कि अब आप पूछेंगे सर कंबाइन आता है कि कैसे आता है, एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा करो यार, खुद से भी अपने भरोसा नहीं है क्या कि मैं जो पढ़ूंगा गलत पढ़ूंगा, एक बार पढ़ा करो आप कि हाँ उसमें कैसे दिया गया है। अब RRB JEE 2015 में जो आया था उसमें कंबाइन था, 90 और 60 का रेशियो था, 90 आपका सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब आता था, लेकिन इस बार क्या किया उन्होंने अलग अलग कर दिया, पार्ट ए पार्ट स्टेज वन स्टेज टू में, ठीक है। तो इस बार आपका उसमें पेपर सबका अलग अलग बनेगा RRB JEE में भी, एकदम निश्चिंत रहो करो आप, ठीक है, एकदम परेशान मत हो करो, हर चीज मैं प्रॉपरली आपको समझाऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे आप एग्जाम को क्रैक करोगे, किस तरह से क्रैक कर सकते हो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो हैप्पी सैटरडे, एंजॉय करिए आप लोग, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से आप एग्जाम दीजिए। कल संडे मुलाकात करेंगे हम, 15-20 मिनट के लिए मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे जो भी बातें हैं, तो कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद, लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो आपको सेशन, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है जी, मिलते हैं कल, ओके बाय बाय जी।